हमारे आदरणीय हरिंदर यादव जी, हरिंदर यादव जी प्रबंधक डिग्री कॉलेज, वकील साहब और भाई कल्पनाथ यादव जी, ये बहुत रुपयों का सहयोग भेजे हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सफलता तो सबके सम्मानित करें। और मैं निवेदन करूंगा कवि जी लोगों से, जो कवि लोग आदरणीय गिरधारी लाल जी सम्मानित हो चुके हैं, आदरणीय सौरू जी, ये हम लोगों का जनपद है, तो आदरणीय भोला कवि जी मंच पर आ जाइए आप, और आदरणीय सियाराम जी जुआ कवि मंच पर आ जाइए, आदरणीय भरत यादव जी। हो जाई दो लाइन, हो जाई कहते नहीं तो हो जाई, आप बैठ जाइए। आदरणीय हमारे गोरखनाथ यादव जी कवि जी, भोला यादव मास्टर साहब आजमगढ़, ये कवि जी आप लोग चलिए। और सम्मानित हो चुके कवि जी लोग भी चाहें तो अपना अपना भाई ललकी पगड़िया फिर से बांध दिया जाए, एक ग्रुपिंग हो जाए, एक बहुत बढ़िया संदेश जाएगा। आइए खड़ा हो जाइए कवि जी। दरोगा जी आदरणीय सियाराम यादव जी, सबका लाल साफा जो बपन गुरु दिल्ली से लाए हैं, और जिनको बांध दिया है उनको वही लेकर दोबारा बांध देंगे। और आदरणीय मंगल जी की पगड़ी कहाँ है? कभी लोगों का सम्मान हो रहा है,
इस दुबारी के हरक सिंह हुलास सिंह की फांसी अंग्रेजों ने कर दिया, आज तक उनकी मूर्ति तक नहीं लगी है। 1,00,000 रुपया जमा किए हैं बाबू राजकुमार सिंह जी, पूर्व प्रधान बाबू भगत सिंह के यहां, और आदरणीय बाबू एचएन सिंह जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, आप मऊ भी रहे हैं, बलिया भी देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में जाने माने अधिकारी हैं। एक और निवेदन करूंगा, अभी हमारे अधिकारी द्वय बैठे हुए हैं, आदरणीय बाबू एचएन सिंह माई कृपा ने कहा कि इस मंदिर में पंखे नहीं है, नागा बाबा के मंदिर पर हमारे तरफ से 2 पंखे लग जाएंगे, जोरदार ताली, और 2 की जरूरत है, आप बता रहा हूं 5 नहीं, 1 निवेदन जाएगा साधु जी के तरफ से। आज के लोग भगवान से भी नहीं डर रहे हैं, जितनी जमीन नागा बाबा की रही है, जो अतिक्रमण यहां हुआ है, हम निवेदन करेंगे आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से, महात्मा जी चलेंगे, वरना इस नागा बाबा के तपोभूम पर आमरण सम पर भी हम लोग बैठ जाएंगे, जब तक नागा बाबा की विरासत वापस नहीं होगी, हम लोग चैन से सोने वाले नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बपन गुरु जी से और आदरणीय अपने गिरधारी लाल गुरु जी से कि पूर्व विधायक माननीय अमरेश चंद पांडे जी का माल्यार्पण करें। हाँ हाँ, नेताजी मुलायम सिंह यादव गुरु मानते थे आपके पिता राम सुंदर पांडे जी को। और शाखा प्रदान करेंगे, माला प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारे कवि जी भी अधिकारी हैं, आदरणीय इंजीनियर साहब को आ जाइए, चढ़ जाइए इस पर आ जाइए। ये बाबू राजकुमार सिंह जी के सुपुत्र हैं, इनको माफा दो लड़के, दोनों लोगों को पहनिए ना, कवि जी के भी एक ही सुपुत्र है, MBBS MD के बाद वो क्या पद है जानता नहीं हूं, कलकत्ता में है, इन MCH, और इनकी पतोहू जो है लंदन से MBBS पास की है। एक बार गिरधारी लाल जी के लिए भी ताली होनी चाहिए। जी जी, अब मैं आवाज दूंगा, अभी हमारे कई जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी सम्मान मैं करूंगा। आदरणीय मंगल कवि जी बनारस, जोरदार ताली, जोरदार ताली। बहुत अच्छे हमारे सावरिया की है सुनी छाई घटना कंठोर जी और आदरणीय बाबू एचएन सिंह जी
दीपक मऊ, ये आप लोगों ने सहयोग रूप में बहुत हमारा सहयोग किया, एक बार जोरदार ताली बजाना। बड़े भाई हैं आप और आप का गाना नहीं है आपका नाक के बाद, रुक जाइए रुको भाई, सोच आप गाना गाएंगे तो हम लोग नहीं गाएंगे, आप केवल नाक से, देखिए कला है आपके पास और धुन जानते हैं क्या बजेगा, जब से गगनवा का दिनवा धराई, ये भोजपुरी की गीता पर आई हारमोनियम से और नाक से आप बजाएंगे, सभी लोग ताली बजाएंगे, आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। प्रकाश पांडे जी से आप लोगों ने सुना, अब मैं आवाज दे रहा हूं, अपने समय में जब जवानी थी तो पूरे पूर्वांचल को अपने बिरहा से झुमाने वाले चंदौली से पधारे परम आदरणीय श्री गुरु वंदना प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि माल्यार्पण हो चुका है।
पुष्पांजलि अर्पित की जा चुकी है, तिलक हो चुका है, तो इसलिए गुरुदेव के पावन चरणों में, श्री चरणों में एक वंदना अर्पित करने का मोह संवरण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं अपने साथियों से अनुमति लेते हुए एक गीत प्रस्तुत करूँगा। चूंकि मैं गायक नहीं हूँ, इसलिए क्षमा भी चाहूंगा कि कहीं गलती हो जाए तो उसको स्वर और लहरी में मत जोड़िएगा। हमारे शिष्य चंद्रकिशोर पांडे जी के तरफ से ये पुष्पहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक लाइन दिया।